छात्रों, कक्षा 12वीं के बही खाता लेखा कर्म के अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं साझेदारी का पुनर्गठन लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यहाँ पर हम देखेंगे साझेदार संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब साझेदार विभिन्न कारणों से अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो साझेदारी का जो है एक प्रकार से पुनर्गठन होता है। जब पुनर्गठन की बात आती तो इस स्थिति में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्या कहलाता है। साथ ही जब पुनर्मूल्यांकन करते हैं हम तो संपत्तियों की जो मूल्य है उसमें वृद्धि होती है तो लाभ भी होता है। यहाँ पर दायित्वों में जो है कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है। इस संबंध में जनरल प्रविष्टि की जाती है। तो इनको हाँ देखेंगे हम कि जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो उसकी जनरल प्रविष्टि क्या होती है। साथ ही पुनर्मूल्यांकन का जो संक्षिप्त प्रारूप है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे और कुछ अभ्यास से संबंधित प्रश्न भी हैं। ये हमारे सामने संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेख हैं। जो विद्यमान साझेदार हैं उनके जब अनुपात परिवर्तन के समय संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन किया जाता है कि वर्तमान में संपत्तियों का मूल्य क्या है, दायित्वों का मूल्य क्या है, ये कहलाता है पुनर्मूल्यांकन। इसका प्रमुख कारण ये है कि चिट्ठे में जो हमने संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों को दर्शाया हुआ था वो वास्तव में आज की स्थिति में उनके वास्तविक मूल्य में परिवर्तन हो चुका है और ये भी संभव है कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो चुकी हो और कुछ संपत्तियों के मूल्य में कमी हो गई हो। तो जब हम संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो ये पाते हैं कि निश्चित रूप से जिन संपत्तियों का मूल्य जो पुस्तकीय रूप से पुस्तकों में दर्ज था वर्तमान में उसके मूल्य में वृद्धि हो गई और वहीं कुछ संपत्तियों के मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ दायित्वों के मूल्यों में भी कमी हो गई होगी और कुछ दायित्वों के मूल्य में भी वृद्धि हो गई होगी। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दायित्व जो हैं उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, कुछ दायित्वों के मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब यहाँ पर इन परिवर्तन ये जो परिवर्तन हुए हैं इन परिवर्तनों का लेखा पुस्तक में नहीं किया गया हो चूँकि ये परिवर्तन लाभ हानि अनुपात में किए गए परिवर्तनों के क्या हैं, ये पूर्व के परिवर्तन हैं। अतः संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें पुराने अनुपात में साझेदारों के मध्य बांट देना चाहिए। यहाँ पर जब हम संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो जो लाभ हानि है उसको हम पुराने अनुपात में साझेदारों के मध्य क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब यहाँ लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के पूर्व संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में हुए परिवर्तन को हम दो विधियों से दर्शाते हैं। नंबर एक, जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन को हम पुस्तकों में लिखते हैं, मतलब लेखा पुस्तकों में उसको हम दिखाते हैं, और दूसरा जब संपत्ति और दायित्वों के मूल्य को हम पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ दो विधियों से किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जबकि संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन को हम पुस्तकों में दिखाते हैं तो जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तब संपत्ति एवं दायित्वों के परिवर्तित मूल्य पर दर्शाने हेतु पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता खोलते हैं। यहाँ ध्यान दें पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वही लाभ हानि समायोजन खाता भी कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो है नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है क्योंकि नाम मात्र का इसलिए है कि यहाँ पर हम जो संपत्ति और दायित्व हैं उनको हम आज की स्थिति में मूल्यांकित करते हैं और लाभ है या हानि इसको हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता खोलते हैं। इस संबंध में जो जनरल प्रविष्टियाँ हम करते हैं
पहली चीज आती है जब यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, यदि कोई संपत्ति जो है 50,000 की थी उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया गया 10% की दर से मान लीजिए, तो उसमें क्या हो गई संपत्ति की कीमत पे यहाँ क्या हो गई कमी हो गई। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट टू संपत्ति खाता। विंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब संपत्ति की कीमत में क्या हो गई कमी हुई है। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा और संपत्ति खाता क्रेडिट, कब? जबकि संपत्ति के मूल्य में कमी होगी। अब दूसरी प्रविष्टि हम देखते हैं, संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि हो जाती है, जो संपत्ति का मूल्य अभी उसकी मूल्य जो था उससे अधिक मूल्य हमें प्राप्त हो रहा है, तो जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो यहाँ पर असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रेवल्यूशन अकाउंट, तो संपत्ति खाता यहाँ पर क्या होगा डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होगा। तो विंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब यहाँ संपत्तियों की कीमत में क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो ये दूसरी प्रविष्टि जो है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, तो यहाँ हमने देखा कि जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो संपत्ति खाता यहाँ पर डेबिट होता है। अब यहाँ हम देखते हैं दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने पर। अब यहाँ जो फर्म के लाइबिलिटीज थी, दायित्व थे, उनके मूल्य में क्या हो गई वृद्धि हो गई, मतलब दायित्व और बढ़ गए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। विंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, मतलब यहाँ दायित्वों में क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो ये जनरल प्रविष्टि, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। विंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पर दायित्व में क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर चौथी आती है दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। अब यहाँ जो दायित्व थे फर्म के वो यदि कम हो गए हैं तो उस स्थिति में लाइबिलिटीज अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये उसके लिए अच्छी बात है यहाँ पर फर्म के लिए कि दायित्व के मूल्य में कमी हो गई तो लाइबिलिटीज अकाउंट क्या हो गया डेबिट हो गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। विंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, यहाँ पर जो है दायित्व के मूल्य में क्या हो गई कमी हो गई। अब यहाँ पर उपयुक्त प्रविष्टियों के पश्चात जब हम ये जनरल प्रविष्टि कर लेंगे तो पुनर्मूल्यांकन खाते का हम क्या निकालेंगे शेष निकालेंगे। तो जो पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को दिखाएगा, अब या तो पुनर्मूल्यांकन में या तो लाभ दिखाएगा या हानि दिखाएगा। यहाँ ध्यान दें कि यदि पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो लाभ होगा, अर्थात क्रेडिट का योग ज़्यादा है डेबिट का कम है तो इस स्थिति में क्या होगा लाभ होगा। और यदि पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष का योग अधिक है और क्रेडिट का योग क्या है कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी हानि होगी। अब यहाँ पर जो भी होगा लाभ होगा या हानि होगी, इस लाभ हानि को साझेदारों के मध्य पुराने, ध्यान दें यहाँ पर जो भी साझेदार हैं इस लाभ हानि को उनके बीच पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाए। इस संबंध में जो जनरल प्रविष्टि होगी यहाँ पर दो प्रकार से हैं, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ की दशा में और दूसरी पुनर्मूल्यांकन की हानि की दशा। तो पुनर्मूल्यांकन में जब लाभ की स्थिति बनती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ मान लीजिए तीन साझेदार हैं तो तीनों के बीच में ये लाभ बढ़ जाएगा उनके पुराने अनुपात में, टू पार्टनर्स कैपिटल ए कैपिटल अकाउंट, टू बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, सभी साझेदारों के बीच में जो है लाभ का पुनर्मूल्यांकन का लाभ वितरित किया गया, ये लाभ की स्थिति। अब यदि हानि होती है पुनर्मूल्यांकन पर, जैसा कि बताया कि डेबिट पक्ष का योग अधिक होगा क्रेडिट का कम होगा तो यहाँ पर हानि होगी। तो यहाँ पर इसकी जनरल प्रविष्टि जो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी जितने भी पार्टनर हैं उन तीनों में हानि यहाँ बढ़ जाएगी, पर टोटल जो पुनर्मूल्यांकन पर हानि हुई है वो यहाँ प्रविष्ट होगी। तो विंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स,
सभी साझेदारों के बीच में जो हानि हुई है, लॉस हुआ है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब दूसरी स्थिति यहां पर जो पहले मैंने बताई थी कि दो प्रकार की स्थिति है, जबकि संपत्ति व दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन को पुस्तक में हमें दिखाते हैं, तो अभी हमने देखा। अब दूसरी स्थिति जो बनती है कि जब संपत्ति और दायित्व के मूल्यों में हुए परिवर्तन को हम पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं, इस दशा में पुनर्मूल्यांकन पर लाभ व हानि को साझेदारों में नहीं बांटा जाता, क्योंकि पुनर्गठित फर्म के चिट्ठे में संपत्ति व दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दर्शाते हैं। तो यहां पर जो है, जो पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ या हानि है, जब हम पुस्तकों में इसको नहीं लिखते, तब ये साझेदारों में हम इसको नहीं बांटते। क्यों? क्योंकि पुनर्गठित, जो हमने नया पुनर्गठन किया, उसमें फर्म के चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व को जो है हम पुराने मूल्य पर ही दिखाते हैं। तो मूल्यांकन के प्रभाव को हम निम्न समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से दिखाते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC जितने हैं, टू सेक्रीफाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी, मतलब जितने साझेदारों ने प्राप्त किया है अपना और जितने साझेदारों ने त्याग किया है। तो जैसा कि बताया था सूत्र में सवाल शुरू में कि त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात, तो यहाँ पर जितने साझेदार प्राप्ति करेंगे इतने साझेदार यहाँ पर त्याग करेंगे। बींग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड अमंग द पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ रिवेल्युएशन इन सेक्रीफाइंग रेटियो, तो यहाँ पर जो है जो भी लाभ हानि का समायोजन है सभी साझेदारों के बीच समायोजित किया गया। तो ये स्थिति बनती है कब? जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन को हम चिट्ठे में पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं। यह है पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। ये डेबिट पक्ष है और यह आपका क्रेडिट पक्ष है। डेबिट पक्ष में हम क्या दिखाते हैं? संपत्तियों के मूल्य में कमी, जो भी संपत्तियां थी हमारी, उन संपत्तियों की जो वैल्यू है उसमें जो कमी आई है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। भूमि, भवन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये जिनमें कमी आई उस कमी को यहाँ लिखेंगे। फिर दायित्व के मूल्य में वृद्धि, यदि कोई लायबिलिटी जो उनकी बढ़ गई है तो वो उसको यहाँ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर संपत्तियों के मूल्य में क्रेडिट पक्ष में वृद्धि, यदि संपत्तियों के मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो ये क्या है? एक प्रकार से फायदा है। तो यहाँ संपत्तियों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उसको, फिर दायित्वों के मूल्य में कमी, अब यहाँ पर दायित्वों के मूल्य में यदि कोई कमी हुई है तो उसको यहाँ लिखेंगे हम। फिर इस प्रकार से यहाँ पर अलेखित लेखांकित संपत्ति पुनर्मूल्यांकन से हानि साझेदारों के पूंजी खाते में हम हस्तांतरित करेंगे, और यहाँ क्रेडिट का योग ज़्यादा था, डेबिट का कम था, तो यहाँ हमें लाभ प्राप्त होगा। तो उल्लेखित दायित्व जो यहाँ पुनर्मूल्यांकन से लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में हम स्थानांतरित कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमने जाना संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाते का ये प्रारूप। इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन पर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? जब हम लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति में इन संपत्तियों दायित्व का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है, अथवा संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से क्या आशय है, समझाइए। दूसरा प्रश्न है संपत्ति व दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन संबंधी जो है जनरल प्रविष्टि हमें देना है, और तीसरा है पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप संक्षिप्त में